सिविलाइंस थाना क्षेत्र के अगवानपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या का प्रयास किया और खुद की भी गला काटकर आत्महत्या कर ली। लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से दोनों में विवाद चल रहा था और पति जो है इसमें अपने मकान को बेचना चाहता था, दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता था। कहीं ये भी कहना है लोगों का कि पति दूसरी शादी करना चाहता था, जिसका ये पत्नी विरोध कर देती है। ये मामला कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फोरेंसिक टीम और पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। सर, सिविलाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर में पति पत्नी का गला काटने का मामला सामने आया है, क्या पूरा प्रकरण? ये आज सुबह अगवानपुर चौकी क्षेत्र थाना सिविल लाइन्स में एक प्रकरण संज्ञान में आया कि महिला जिसके गले पर एक शार्प इंजरी थी, टीएम में भर्ती की गई थी, वो साथ ही उसका पति जिसका नाम सलीम है, उसकी भी गले पर किसी धारदार उससे इंजरी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके सबको मर्चरी भिजवाया गया, पुलिस ने वहाँ तत्काल मौके पर पहुँच के इसमें छानबीन की और जो महिला इस समय टीएमयू में भर्ती है उससे भी इसमें पूछताछ की गई। महिला के द्वारा ऐसा कहा गया कि उनके और पति के बीच में किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था और उसी में एक घर में जो चाकू होता है, जो पेपर कटर, उसी से उन्होंने पत्नी ने स्वयं और पति ने स्वयं अपने अपने गले पर प्रहार कर लिया। लेकिन जिस तरह की चोटें हैं उसके हिसाब से हमको प्रथम दृष्टया ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि सब होता है ये इंजरीज पति के द्वारा ही की गई हैं, जिससे पति की मृत्यु हो गई है और पत्नी अभी उपचाराधीन है। फिर भी अभी इसकी और गहराई से हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या थी, किन कारणों से घटना घटित हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।